होम्स एंड यंग बर्ड्स, कि एनिमल्स जो होते हैं उनका उनका जो घर होता है उसको उनको हम क्या क्या बोलते हैं, और उनके यंग बर्ड्स उनके जो बेबीज होते हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, सो अपन योर बुक पेज नंबर 122 लोगे एनिमल्स होम्स। लाइक अस मोस्ट एनिमल्स नीड होम्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, हमारी तरह एनिमल्स को भी ह्यूमन बीइंग की तरह इंसानों की तरह क्या होता है, एनिमल्स को भी नीड होती है, जरूरत होती है किसकी, घर की। किस लिए, किस लिए बताइए आप, आपको किस चीज की, आपको क्यों नीड होती है होम की, क्योंकि घर जो है हमें बचाता है गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, ठीक है, हीट से। तो ऐसे ही एनिमल्स को भी बारिश गर्मी सर्दी सबसे बचने के लिए घर की नीड होती है, जरूरत होती है। ओके, अब देखिए होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, अब डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनके घर को हम क्या बोलते हैं, रैबिट्स लिविंग बोरोस, रैबिट कहाँ रहते हैं, बोरो में रहते हैं, हॉर्सेस लिविंग स्टेबल्स, हॉर्स का जो घर होता है जहां पे उनको हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल्स बोलते हैं, काउस लिविंग काउशेड्स, काउ कहाँ पे रहती है, काउशेड्स में उनकी जो शेड बनाते हैं उनको जो हम कवर करने के लिए उनका एक घर बनाते हैं उसको हम काउशेड बोलते हैं, पिग्स लिविंग स्टाइल्स, पिग्स किस में रहते हैं, स्टाइल्स मीन्स लकड़ी का एक हम सिर्फ इतना जो हमारा ऊंचाई का होता है सिर्फ लकड़ी का हम एक सर्कल बना देते हैं उसके बीच में क्या रहते हैं, पिग्स रहते हैं, ठीक है, वो उनका क्या है, घर। नेक्स्ट पेज, होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब वाइल्ड एनिमल्स के घर क्या होते हैं, हम उसमें क्या बोलते हैं उनको, ज़ेब्रास एंड डियर लिव इन ग्रासलैंड्स, ज़ेब्रा और डियर जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ग्रासलैंड मतलब कि जमीन पर जहां पे खूब सारी घास होती है। ओके, मंकीज एंड कोलास लिव इन ट्रीज, मंकी और कोलास कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज पे, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, उनका घर कहाँ होता है, पेड़ के ऊपर होता है। लायंस एंड टाइगर्स लिव इन केव्स एंड और डेंस, लायन और टाइगर कहाँ पे रहते हैं, गुफा में, है ना, देखा ना आपको कि कोई भी एक ऐसी जगह जो पूरे अच्छे से कवर हो उसके अंदर वो चले जाते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, अब एनिमल्स और उनके यंग वंस मीन्स उनके जो बेबीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि पक्षी और कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या देते हैं, एग देते हैं। ओके, अदर लाइक लायंस टाइगर्स डॉग्स एंड एलिफेंट्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और जो दूसरे होते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, डॉग है, काउ है, एलिफेंट्स है, ये क्या होते हैं, ये एक बेबी को एक यंग वन को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं और बर्ड्स क्या होते हैं वो क्या देते हैं, एग देते हैं, और जब वो एग में वो बेबी पूरा ग्रो कर जाता है तो वो अपने आप फूट जाता है, वहां उसमें से उनका बेबी निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स एंड देयर यंग, अब नीचे देखिए कुछ एनिमल्स दिए हैं और उनके यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, उनके नेम दिए, द यंग ऑफ अ कैट इज कॉल्ड अ किटन, अब कैट के जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, हम किटन बोलते हैं, द यंग ऑफ अ काउ इज कॉल्ड अ काफ, काउ के बेबी को क्या बोलते हैं, हम काफ बोलते हैं, द यंग ऑफ अ हैन इज कॉल्ड अ चिक, हैन के बेबी को चिक बोलते हैं, द यंग ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड अ फॉल, जो हॉर्स का जो यंग बेबी होता है उसको हम फॉल बोलते हैं, द यंग ऑफ अ शीप इज कॉल्ड अ लैम, शीप के बेबी को क्या बोलते हैं, लैम बोलते हैं, डॉग के बेबी को हम क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, पिग के बेबी को पिगलेट, डक के यंग वन को डकलिंग, लायन के बेबी को कब एंड गोट के बेबी को किड बोलते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके बेबीज को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, वो इनके नेम है। जस्ट लाइक ह्यूमंस एनिमल्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग, हम इंसानों की तरह ही जो एनिमल्स होते हैं जानवर होते हैं वो अपनी बेबी की टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको खाना देते हैं, दे गेट फूड फॉर देम, वो उनके लिए भोजन लाते हैं, खाना लाते हैं,
दे लव एंड प्रोटेक्ट देम, और वो भी उनको उनको हमारी तरह प्यार भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको बचाते हैं कि किस चीज से उनको नुकसान होता है उससे उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपको समझ आया क्या करते हैं इसमें वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब इसमें क्या था, एनिमल्स अराउंड अस, एनिमल्स जो हमारे आसपास होते हैं लाइक वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, अब उसमें क्या क्या एनिमल्स, उसमें क्या क्या दो टॉपिक का, एनिमल्स होम एंड यंग वंस, एनिमल्स के घर, डोमेस्टिक एनिमल्स के घर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, एंड वाइल्ड एनिमल्स जो बाहर रहते हैं उनके घर को क्या बोलते हैं, देन यंग वंस की उनके बेबीज को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, वो हमने रेड किया। ठीक है, समझ आ गया आपको, तो इसको अच्छे से रीड करना है, समझना है। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया तो मैम को भी कॉल कर सकते हो, या फिर आपके घर में आपके पापा है, मम्मी है, बड़े बहन भाई है, किसी की भी हेल्प ले लो, लेकिन इसको अच्छे से समझना है और लर्न भी करना है कि इनके जो यंग वंस हैं उनको, उनके जो नेम्स हैं उनको लर्न करना है आपको, एंड उनके होम्स के नेम्स को लर्न करना है। क्लियर, बाय बाय।